सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं माँ का तारिणी स्थान खगड़िया बिहार, जो कि यहाँ पे हम दर्शन के लिए आए हैं और बाइक से आए हुए हैं। तो ये रास्ता है मेरा इधर से आने का, और इस तरह से साइड में रेलवे ट्रैक है और साइड से ये रास्ता जाती है। तो आप चलिए दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो इस तरह से हम लोग जैसे जाते हैं बढ़ते हैं, तो आगे में माता का मंदिर है और मेन गेट है, उससे हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे सब दुकान सब लगा हुआ है, जिसमें आप प्रसाद ले सकते हैं, नाश्ता ले सकते हैं। ये मेन द्वार है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर। ये मेन द्वार है, ये सामने में मंदिर नजर आ रही है, इधर से जाने का रास्ता है। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य नजारा। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ धमारा खगड़िया, जो कि बिहार में है, आप लोग भी दर्शन के लिए आ सकते हैं और माँ कात्यायनी का दर्शन कर सकते हैं। चलिए आपको माँ कात्यायनी का दर्शन कराते हैं। ये माँ का मुख्य द्वार है मंदिर में प्रवेश करने का, यहाँ से हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से मुख्य द्वार के जरिए हम लोग प्रवेश करेंगे मंदिर में। यहाँ से यहाँ से माता का आप दर्शन कर सकते हैं, लाइव देख लीजिए। चलिए आज आपको हम यहाँ का बाबा से मिलाते हैं, जो माता का सेवा करते हैं। तो आपका नाम क्या है बाबा? और माता के बारे में बताइए, आखिर क्यों माता इतना नामी हो गई है? माता जो है शक्तिपीठ में है, सती का जो अंग गिरा था, राजा दक्ष के पास जो है सती गई थी, भगवान शंकर को बिना आदेश अनुसार वहाँ जो है वह हवन कुंड में कूद गई थी, जिसमें भगवान काल रूप में जो उसको उठाए थे हवन कुंड से, उसे खंडित 52 जगह किए हैं भगवान विष्णु के द्वारा। इसी में से एक स्थान छठा स्थान माँ कात्यायनी स्थान है शक्तिपीठ में। ये कहाँ पे पड़ता है बाबा? यह हमारा घाट स्टेशन के बगल में माँ कात्यायनी स्थान है, खगड़िया, खगड़िया जिला है और यह पंचायत है जी। तो ये माता का मतलब कब से स्थापना हुई है यहाँ पे लगभग? इसका तो 1835 से ही हम लोग जानते हैं, हमारा पूर्वज जानते हैं,
बहुत जंगलात समय था जिसमें कि यहाँ जंगल था और शिकार चलता था। हम लोग का पूर्वज जो है माता को इस दरबार में जो है अभी पूजवाए कर रहे हैं, उसको स्वप्न दिए हैं। जंगल में शिकार जब खेल रहे थे तो स्वप्न दिए कि तुम हमको पूजो, तुमको तुम्हारे पुस्तन के पुष्ट जो है निमाता करेंगे। तो माँ की जो है खंडित हाथ मिला हमारे पूर्वजों को। तो जिस तरह वो बच्चों लोग खेलते हैं माटी का जो है न अथी बना करके, जो माता को लिपाई पोताई करके और छोटा सा झोपड़ी बनाकर वो सेवने का काम करने लगे और उसका महिमा विकसित होने लगे। विकसित होते होते फिर इनका जो है माटी का घर बना। माटी का घर बनने के बाद यह पूरा जानकारी जब होने लगे तो यहाँ का जो है हमारे पूर्वजों ने और सहयोगी सुपादनी माता को पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। तो इसी में से जो माँ की कृपा से जो दक्षिणा मिलता था इसका विकास होने लगे। कुछ स्वयं सेवक को रखने लगे, आप लोग विकास कीजिए, हम लोग मैया को सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए क्या डेली आ सकते हैं क्या भक्तजन? दर्शन के लिए डेली आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माँ का पूजा जो है भीड़ अपार भीड़ लगती है सोमवार और शुक्रवार को, और बुधवार को भी छोटी बैरागन कहा जाता है क्योंकि अपार भीड़ में मंगल सोमवार और शुक्रवार को। चलिए आप लोग को एक और बाबा से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है सुरेश प्रसाद यादव। अच्छा, आप बताइए अपने बारे में और यहाँ कब से माता का सेवा कर रहे हैं? हम तो कम से कम 30 बरस से तो हम यहाँ सेवा में लगे हुए, लेकिन कितना कमेटी बदला हम अमानत है झगड़ा। और विशेष हम क्या बोले, आपका प्रॉपर मकान यहीं पे पड़ता है क्या? कुंडा, हाँ। चलिए ठीक है, आप माता का सेवा कंटिन्यू रखे रहिए। हाँ, माता का। और जो भी यहाँ भक्त जान आते हैं उनको आप अच्छे से ख्याल रखिए। हाँ। धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ लग रही है। और ये देखिए मंदिर, और साथ में एक और मंदिर है।
दान कर दिए रूपा पैसा और साथ से रही है दान करने दी है ये दूरे बने बाबा पर के दान कर दिए नमस्कार साथियों, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो। और आज हम खगड़िया में हैं, धमारा घाट, जो कि यहाँ पे माता कात्यायनी का मंदिर है। यहाँ पे देखिए, और हम लगभग 12 साल पहले आए थे और उस समय याद भी नहीं था कैसे क्या हुआ, लेकिन इतना याद था एक रेलवे ट्रैक है, पुल है, उसके साइड में माता का मंदिर है। और आज फिर हम अपने मम्मी के साथ आए हैं और आज देखिए अब जबरदस्त नजारा आ रहा है। टाइम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ लगते जा रही है, क्योंकि यहाँ का पहला नियम है जो सरकारी पूजा होता है, सरकारी पूजा होने के बाद सभी भक्तजन अपना अपना पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकारी पूजा भी हो गया था, पहले ही आए जैसे हम भी पूजा कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहे इस वीडियो में। और हम मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।